हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मैं तोषी चौधरी और हम पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन के अंदर हम समाकलन ज्ञात करने की तीनों विधियां पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। बच्चों, समाकलन एक ऐसा अध्याय है, इसके हर एक क्वेश्चन में कुछ नया मिलता है। आप एक क्वेश्चन करोगे तो उसका पैटर्न कुछ और होगा, आप दूसरा क्वेश्चन करोगे उसमें कोई और सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, थोड़ा सा चेंज होते के साथ ही पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसलिए समाकलन की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, तभी हमें हम सारे टाइप के पैटर्न्स का पता लगा पाते हैं। बेसिकली तो तीन विधियाँ हैं, लेकिन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हजारों टाइप के, तो बेटर है कि आप समाकलन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर डालिए। आज के इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कुछ मिश्रित उदाहरण लिए हैं और वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो किसी भी विधि से हो सकते हैं, आप लोगों ने वो विधि पहचाननी है और अप्लाई करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। बच्चे, 1/5 + 4 cos x, ठीक है। इसमें देखिए, अगर मैं प्रतिस्थापन लगाऊंगी तो cos x ऊपर t मानूंगी, तो यहाँ पर sin x नहीं है, प्रतिस्थापन विधि यहाँ नहीं लग सकती। आप देखिए, क्या मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकती हूँ? मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पर लगता है? जहाँ पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर व्यंजक होता है, x की फॉर्म में होता है। ये तो हमारा त्रिकोणमिति है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। बच्चों, यहाँ पर खंडशः समाकलन भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खंडशः समाकलन कहाँ लगता है? जब आपके पास दो फलन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हर में cos x हो या sin x हो या फिर दोनों हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे पास फॉर्मूला है ना sin को 10 में कन्वर्ट करने का, कॉस को 10 में कन्वर्ट करने का, और 10 का भी है, तो आप ऐसी कंडीशन में वही वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस है, तो पहले कॉस की बात हम करते हैं। कॉस एक्स बराबर कितना होता है 10 की फॉर्म में? 1 − 10² x / 2 / 1 + 10² x / 2। जब भी आपके पास ये वाली सिचुएशंस होंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस के लिए साइन के लिए साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? 2 tan x / 2 / 1 + 10² x / 2, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। चलिए हम इस वाले को लगाते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कितना आएगा? dx/5 + 4 1 − 10² x / 2 / 1 + 10² x / 2, ठीक है। 1 + x² / 2, ये LCM आ जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 + 10² x / 2 dx। हर में क्या आएगा? 5 × 1 + 10² x / 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4 × 1 − 10² x / 2, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए। 1 + tan² θ कितना होता है? sec² θ। तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? sec² θ/2, यानी x/2, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 5 और 4 9। 5 tan² θ, 5 tan² x / 2 माइनस 4 tan² x / 2, बचा हमारे पास 10² x / 2। अब
अब हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर, 10x बाई 2 को हम क्या मान सकते हैं, t, क्यों, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर जो हमारा ऊपर रखा हुआ है, रखिए 10x बाई 2 बराबर t, कितना हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx बराबर dt, मतलब कि sec स्क्वायर x बाई 2 dx की जगह पर आ गया 2dt, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां पर रखिए, 2dt अपॉन 9 प्लस t स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या होता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं यही फॉर्मूला, 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, 1 अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए 2 अपॉन 3 tan इनवर्स, कितनी है t 10x बाई 2, 10x बाई 2 प्लस सी, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन ये आ गया हमारे पास, अगर यहाँ पर साइन होता कॉस की प्लेस पर तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिख देते 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x बाई 2 बन जाता, 2 tan x बाई 2 बन जाता और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बन जाता, ठीक है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में बनता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये ही हेल्प करता है हमारी इस टाइप के इंटीग्रल को हल करने में, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाकर sec बन जाता है और जब हम नीचे tan को t मानते हैं तो उसका अवकल गुणांक sec स्क्वायर ऊपर रखा मिलता है, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ हमारी tan में नहीं चलती, क्यों, क्योंकि tan में क्या होता है 10x क्या होता है, देखिए आपको ये ना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति पर आ रही हूँ मैं, साइन x का ये था, cos x का भी अभी हमने यहाँ रखा है, क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो tan का क्या हो जाएगा sin अपॉन cos यानी 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, कितना हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए बच्चों अगर इस क्वेश्चन में tan होता तो आप ये वाली वैल्यू अगर रखते तो यहाँ नीचे बन जाता 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और वो ऊपर चला जाता और वो sec नहीं बनता, तो हमारा ये वाला फंडा किस में काम करेगा जिसमें साइन या कॉस या दोनों दी है वो, ठीक है, ये वैसे तो बहुत सारे तरीके हमारे पास होते हैं, सब लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है कोई बच्चा किसी मेथड से करता है कोई बच्चा किसी मेथड से करता है, आंसर भी सेम आना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो हम इस समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको समझ आ रहा है जो तरीका आपको समझ आ रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, उसमें हम साइन और कॉस दोनों लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें साइन और कॉस दोनों है, इसमें अगर हम देखें तो प्रतिस्थापन नहीं लग सकता क्योंकि कॉस एक्स को टी मानेंगे साइन एक्स डी एक्स ऊपर नहीं है या साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स ऊपर नहीं है, दोनों चीज़ हमारी डिनोमिनेटर में है, थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपके पास हर में साइन या कॉस या साइन और कॉस दोनों हैं तो आप इनको टेन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं, साइन एक्स बाई टू सॉरी साइन एक्स कितना होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और cos x कितना होता है 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। हर एक चैप्टर का हर एक दूसरे चैप्टर में यूज़ होता रहेगा। फिजिक्स का, फिजिक्स में भी हमारे पास हमारे इंटीग्रल का यूज़ होता है, यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। तो किसी भी चैप्टर का कहीं भी यूज़ हो सकता है, कोई भी फार्मूला कभी भी किसी भी फार्मूले की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, दोनों फार्मूले फिलहाल मैंने लिख दिए हैं, हम इनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डी एक्स अपॉन वन माइनस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। मैं वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू को एलसीएम लूंगी और सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया sec sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे बन गया हमारा 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई टू, जिसमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ और साथ के साथ मैंने बाहर भी ले लिया, क्या बचा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। सब्स्टिट्यूशन, टेन एक्स बाई टू बराबर t, क्या आ गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, वन बाई टू डी एक्स बराबर डी टी। तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर टू डी टी, यहाँ पर रख दीजिए, वन बाई टू हमारा है ही, टू डी टी अपॉन वन माइनस टी, टू से टू कैंसिल, वन माइनस टी का अगर हम को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ वन माइनस टी, और टी का मल्टीपल से हमारा डिवाइड हो जाएगा, टी के क्या है, टी का कॉफिशियंट माइनस वन, माइनस वन से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ये वाला यहाँ चला जाएगा, लॉग ऑफ वन माइनस टी की वैल्यू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमने इस बार क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर हर में टेन एक्स है, ना साइन है ना कॉस है, इसको हम टेन को टेन एक्स बाई टू वाला फॉर्मूला लगाकर उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे जैसे कि हमने साइन और कॉस में किया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है करने के लिए, पहली चीज जो माइंड में आती है वो ये है कि हम टेन एक्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। पहले हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, आगे देखते हैं। डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कितना बन गया, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, हम ये काम पहले भी कई बार कर चुके हैं, जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसको हम अंश में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर कॉस एक्स है, मैंने कॉस एक्स को हाफ कॉस एक्स यहाँ लिख लिया और हाफ कॉस एक्स यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मैंने नीचे वाला यहाँ बना लिया, लेकिन जब मैंने माइनस साइन एक्स किया है, यानी माइनस हाफ साइन एक्स किया है, तो मुझे प्लस हाफ साइन एक्स भी करना होगा, वो मैं इसके साथ करूँगी। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये देखिए अब लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, अलग अलग कर दीजिए, जब इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो 1 बाई टू को बाहर ले लीजिए,
इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो पूरा कैंसिल होगा, मैं सीधा dx लिख रही हूँ, ठीक है। फिर जब आप इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे cos x, ठीक है, जब आप इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx, ठीक है। ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस इस वाले को हम कैसे करेंगे, अब आप देखिए यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि नीचे वाले का अवकल गुणांक ऊपर रखा हुआ है। cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, माइनस sin x, यानी माइनस की प्रॉब्लम रह गई। माइनस sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस cos x, क्योंकि sin x को डिफ्रेंशिएट करके cos x आता है, इसलिए माइनस sin x को डिफ्रेंशिएट करके माइनस cos x आएगा। यहाँ भी माइनस की दिक्कत आ गई, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ दोनों जगह आ गई, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों जगह पर माइनस लगा दे रही हूँ और मैं यहाँ पर भी माइनस लगा रही हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, जब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा रहता है तो हम क्या कर देते हैं, नीचे वाले का लॉग हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन 10 का था, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसी को अरेंज किया और लास्ट में इंटीग्रेट कर दिए, ये हो गया। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वैसे तो एक्सरसाइज 7.6 खंडशः समाकलन यानी बाई पार्ट्स के ऊपर डिपेंड है और हम उसको कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने और भी छोड़ा था, क्यों, क्योंकि उसमें बीच में ये बन रहा था इस टाइप का कुछ, या फिर ये बन रहा था, और ये समाकलन जब तक हमने नहीं सीखे थे, उसके बाद हम ये इस टाइप के समाकलन करना सीख चुके हैं, तो वापस हम इस क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम इसको करते हैं। दो फलन है, बाई पार्ट्स लगा दीजिए, पहले कौन सा लिखा जाएगा, दूसरा पहले कौन सा फलन माना जाएगा और दूसरा कौन सा माना जाएगा। आई लेट से देखते हैं, आई इनवर्स यानी cos इनवर्स x हमारा पहला फलन होगा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा होगा। वैसे भी जो फलन हमारा आराम से इंटीग्रेट नहीं हो पाता उसको हम पहला फलन ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। cos इनवर्स x पहला फंक्शन है, एज इट इज लिखा जाएगा, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस cos इनवर्स x का अवकलन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का समाकलन यानी एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स पहले आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई टू बाहर आ गया, अंदर हमारा बचा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जो हमारा हर में है उसे हम अंश में बनाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हमारा है, तो सबसे पहले तो मुझे माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद 1 चाहिए तो मैंने यहाँ 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो, इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर की आधी पार बचेगी, क्योंकि ऊपर एक है और नीचे आधी है। फिर माइनस माइनस प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो आप लोग इसका समाकलन करना जान चुके हैं, तो बताएं क्या होता है इसका समाकलन, देखिए इधर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम समाकलित करेंगे इसके अंडर रूट को तो क्या आएगा, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका समाकलन, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अरे हमने यहाँ पर डायरेक्ट ए लिख लिया, यहाँ पर ए की जगह पर वन है ना, तो सब जगह पर ए की जगह पर वन कर दीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो ये ए आ गया है यहाँ पर, क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही नहीं था, तो वन अपॉन टू किसके साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, वन अपॉन टू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस यहां भी मेरा हाफ रह गया, हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक बार चेक कर लीजिए, वन बाय टू बाहर, इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया यहां पर, और इसके साथ भी आ गया, हो गया। इसको एक बार जो इकट्ठी हो रही टर्म्स उनको इकट्ठी कर दीजिए और हमारा आंसर आ गया। स्टार्टिंग की दो टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी अलग अलग, ठीक है, इन दोनों में साइन इनवर्स है तो यहाँ कितना बन जाएगा, माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स बचेगा प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, आप साइन को कॉस की फॉर्म में या कॉस को साइन की फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको यहां भी छोड़ सकते हैं, प्लस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और जब हम इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर। देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू और वन बाई फोर का आप एलसीएम लोगे, टू और फोर का फोर आ गया, ऊपर आ गया टू एक्स स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है, इसके मल्टीपल में आएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली टर्म हो गई। अब ये वाली कॉपी कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए, आज के प्रश्न को नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे निश्चित समाकलन, मतलब अनिश्चित समाकलन हमारा खत्म हो चुका है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं निश्चित समाकलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।